शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं उसामा जाहिद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 3 मई यौम सहाफ़त के मौका पर तमाम उन सहाफ़ियों को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और खराज तहसिन भी पेश करता हूँ जिनकी वजह से पाकिस्तान में जमहूरियत और हक़ आज़ादी राय को फ़रोग मिला है। लेकिन आज आप हमारे साथ उन सहाफ़ियों को देखेंगे जिनकी वजह से हम स्क्रीन पर आते हैं। सबसे पहले मेरे व्लॉग का हिस्सा बन रहे हैं हमारे सोशल मीडिया हेड नुमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आज यौम सहाफ़त के मौका पर ख़ुसूसी पैगाम दें। बस मैं यही कहूँगा कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर रहम करे और सहाफ़ी जो हैं वो भी अपना काम ईमानदारी और ध्यानदारी से करें। जो सहाफ़त का पेशा है ये पार्टीबाजी छोड़ दें। हमारी कुछ और एंकर्स भी मौजूद हैं यौम सहाफ़त के मौका पर, एक ख़ुसूसी व्लॉग में हम उनको भी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सहर खोखर, कुछ खा भी रही हैं, किस वक्त का नाश्ता कर रही हैं और यौम सहाफ़त के मौका पर मुख्तसर पैगाम भी दे रहे हैं। अच्छा, यौम सहाफ़त में मेरा ये पैगाम है, सहरा तुम नज़र आ रही हो आप। अच्छा, ना मेरा यौम सहाफ़त पे उन सहाफ़ियों के लिए पैगाम है जो बाहर प्रोग्राम करने जाते हैं और ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे वो पुलिस वाले हैं। भाई सहाफ़ियों, प्यार से लोगों से डील करो। यानी कि आपका प्रोग्राम कुछ तो बोलो है तो मैं कुछ भी बोलूंगी। आप बोल रही हैं नहीं नहीं, उन लोगों के लिए जो हाथ में माइक पकड़ कैसे प्रेजेंट करते जैसे वो पुलिस वाले बन गए, ऐसा नहीं है। सहाफ़त के दायरे में रहें। आपका कैमरा बहुत हिल रहा है यहाँ पर। सायरा भी मौजूद है। सायरा, यौम सहाफ़त पर मुझसे पैगाम। यौम सहाफ़त की बात करने वाले इदारों के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि सहाफ़ियों की तनख्वाहों का भी ख्याल रखें। सिर्फ सहाफ़ियों का दिन ना मनाएं, सहाफ़ियों की हाँ, और पता नहीं ना जाने कितने सहाफ़ियों का, हमजा का भी यकीनन ठीक है ठीक है, सहाफ़ियों का दिन ना मनाएं। उनके ये जो क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो ये मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हमारी तनख्वाहों का भी ख्याल रखिए, वही ना बिल्कुल। अच्छी बात की इन्होंने, अच्छी बात की है। हमारे साथ हमारे OSR हेड किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? दिन के मौका पर क्या पैगाम? सर बात ये है कि सहाफ़ियों का दिन जो होता है ना, वो कुछ सहाफ़ी जो है वो खुशी से मना रहे हैं और कुछ दुख से मना रहे हैं। दुख से मनाने वाले जो सहाफ़ी हैं ना वो 90% हैं। 90% इसलिए हैं कि इसमें एक बड़ा अलमिया ये है कि सबसे बड़ा जो उनको भुगतना पड़ रहा है वो ये है कि सहाफ़ियों के अपने अदारे बहुत कम हैं। जो मालकान हैं, मैं माजरत से कहूँगा, जो मालकान हैं उनमें 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो सहाफ़ी हैं, बाकी सारे के सारे लोग जो हैं वो बिजनेसमैन हैं। मैं एक अदारे ऐसे में भी काम कर चुका हूँ पहले, जो एक फैक्ट्री ऑनर का था और वो वहाँ पे जो मुलाजमीन थे उनको वो यही समझता था कि ये लोग दिहाड़ी पे आए हुए हैं मेरे पास और दिहाड़ी करके चले जाएंगे। उनके साथ बिहेवियर भी ऐसा ही करते थे कि ये दिहाड़ीदार हैं। हालांकि मैच्योर जर्नलिज्म तभी परवान चढ़ती है जब आप एक जर्नलिस्ट को वो रिस्पेक्ट और वो मैदान दें जिसमें वो खेलना चाहता है। देखिए मेरी बात सुने उसामा जाहिद, एक जो सहाफ़ी है ना वो तो सहाफ़ी की परेशानी और मजबूरियाँ भी समझ लेगा और उसके हालात को भी समझ लेगा और ये भी समझ लेगा कि यार ये पढ़ा लिखा बंदा है तो इसको इसकी ज़रूरियात क्या है। लेकिन एक फैक्ट्री ऑनर जो सारा दिन 400-500 मज़दूरों को दिहाड़ी दे के आता है, उसको वो कैसे समझेगा कि ये पढ़ा लिखा तबका, उसके लिए तो वही मज़दूर की तरह ही एक मज़दूर है। उसके साथ मज़दूरों वाला बिहेवियर ही वो करेगा, वो जितना भी पढ़ा लिखा सहाफ़ी है उसके लिए। हाँ जी, ज्वाइन कर चुके हैं साथ आप भी साथ। काजी साहब जो हैं हमारे वो सीनियर एंकर हैं, हमारे दोस्त भी हैं, बहुत सारे इदारों में बतौर सीनियर एंकर काम कर चुके हैं, इस वक्त हमारे चैनल में भी हैं। काजी साहब बेहतर बता सकते हैं इसके बारे में कि इस वक्त जो सहाफ़ियों के हालात हैं और ये हालात किए गए हैं सहाफ़ियों की तरफ से, क्या मुश्किल थी और ये सारे इस हालात पे पहुंचने वाली जो है वो सहाफ़ी इसमें कितने कसूरवार हैं और इसमें मालकान जो थे वो कितने कसूरवार हैं? देखिए मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी ज़्यादा कसूरवार हैं। देखें हमारे यहाँ ये था कि कोई समझ लें कि क्वालिफिकेशन नहीं थी, क्वालिफिकेशन की वजह से हमारे यहाँ हर बंदा सहाफ़त में आ गया। फिर ये था कि जब आप बिज़नेस करना शुरू कर देते हैं तो फिर ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के जो आपको पिक एंड चूज़ होता है, आप अपनी मर्ज़ी के फैसले करते हैं, अपनी मर्ज़ी की सहाफ़त करते हैं, हालांकि सहाफ़त न्यूट्रल होनी चाहिए। इस वक्त क्या हुआ, बदकिस्मती से जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है हमारी ये भी पूरी की पूरी बरादरी तकसीम हो चुकी है। ऐसे ही हुआ, बांटा गया, क्योंकि
हम पहले तो क्या हुआ कि हमारा सेठ जो जो चैनल का मालिक है वो कहता है जी मेरी ये पॉलिसी चलनी है, अगर एक प्रोग्राम एंकर उस प्रोग्राम को करना चाह रहा है वो अपनी मर्जी से प्रोग्राम नहीं कर पाता। वॉइस न्यूज़ की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं, ये वॉइस न्यूज़ की बात नहीं कर रहा हम, ओवरऑल आज हम साफियों की बात कर रहे हैं, आज साफत का देना तो साफियों की बात करेंगे, किसी एक की बात तो होगी नहीं, होगी नहीं, आज जनरल बात होगी। तो ये चीज़ें ऐसे हुई हैं कि हमारे यहाँ चूँकि कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी तो फिर हर बंदा जब उसको मौका मिला तो जो उसके अंदर विजन था वो अपने ही मेरे ऊपर या आपके ऊपर या चैनल में थोपने की कोशिश, या उसने सोचा जो भी तो उसने कहा जी ये इम्प्लीमेंट यही करवाऊंगा ये होगा। हालांकि यकीन जाने अभी हम पहले पाकिस्तानी हैं फिर हम साफी हैं, अब पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है आपको पता है मुझे पता है, लेकिन हम हक और सच की बात करनी चाहिए। देखिए ये चीज़ें हैं, वॉइस न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़ है, हमने पाकिस्तान की आवाज़ बुलंद करनी है, लेकिन अभी चूँकि साफी हैं तो साफियों की आवाज़ हमने बुलंद करनी है। हालांकि इससे पहले आपने देखा जितने चैनल मालकान हैं वो सेठ है उसको अपने इंटरेस्ट हैं। असल में ना असल में ये हो रहा है काजी साहब, कुछ जो नाम नहाद तंजीमें हैं पाकिस्तान में उनके सरबराहान जो हैं वो भी इस वक्त जो है वो अपना हुक्म चला रहे हैं अदारों पे भी सहाफ़ियों पे भी, और मैंने देखा है जितनी बड़ी जिसकी तंजीम है ना उतना ही बड़ा और मजबूत वो बंदा है, वो अपने आप को सहाफ़ी कहता है और वो अपना ऑर्डर चलवाता है पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, और सहाफ़ियों को असल में इस्तेमाल किया जाता है। सर प्रेस क्लब से हट के, प्रेस क्लब तो मैं कहता हूँ बहुत छोटे छोटे इदारे हैं, प्रेस क्लब के अंदर 6-6 प्रेस क्लब बने हुए हैं और उनमें से 5-5 प्रेस क्लब तो एक एक बंदे की तंजीम के हैं, तो इस तरह ही है ये तंजीमें जो हैं इस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी हैं। असल में तंजीम के मालकान जो हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, ठीक है, उनके ऑर्डर्स चलते हैं, उसके बाद साफ़ी तो बेचारा जो है वो एक मजदूर तबका में आ जाता है ना। थैंक यू सो मच। रिकॉर्ड करवाया यहाँ पर मार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर हैं। सर योम सहाफत के मौका पर क्या पैगाम देंगे, आज अगर अरशद शरीफ का नाम ना लिया जाए तो आज का दिन मुकम्मल नहीं होता, क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा पहले तो आपसे, आपने सवाल किया है, पहले तो मेरा आपसे सवाल है कि क्या हम आज़ाद हैं? हम भी आज़ाद नहीं हैं, पाकिस्तानी भी आज़ाद नहीं हैं। अच्छा देखें, इस वक्त पाकिस्तान में सहाफत करना इतना मुश्किल हो चुका है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई जो है ख़बर नहीं ब्रेक कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी भी चैनल पर बैठे हुए हैं तो अगर आपका ब्यूरो चीफ है तो वो आपने उससे मशवरा करना है, आप अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। और यकीन माने कि पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के प्लेटफॉर्म से मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ कि हमने हर मुमकिन कोशिश की है कि साफियों की आवाज़ को हम दबाने ना दें, चाहे ब्यूरोक्रेसी है चाहे कोई भी इदारा है, हमने उसके आगे झुके नहीं हैं। क्यों कि देखें, एक चीज़ और भी है कि हमारी सहाफ़त में इस वक्त घुस चुकी है सियासत। अच्छा, क्योंकि हम सहाफ़ी कम रह गए हैं, सियासी हम ज़्यादा हो चुके हैं, हम किसी ना किसी सियासी पार्टी का तबला बजा रहे होते हैं, तो जब आप तबले बजाएंगे सियासी पार्टियों के तो फिर आपके साथ तो ये होना है, जब आप सहाफ़त करेंगे तो फिर आप के साथ साफ़ी तंजीमें भी खड़ी होंगी और सारे जो अच्छे साफ़ी दोस्त हैं वो भी खड़े होंगे। साफ़ी अगर सियासतदानों के मीडिया सेल बन गए उसके बाद हमारी तंदलिश काम कार हुए उसके बाद हमें इस तरह की नहीं, इसकी दो तीन वजूहत है। एक तो सबसे पहले हमारे साफ़ियों में जो है ये जो गैर साफ़ी लोग थे ऐसे जिनको कोई और नौकरी नहीं मिली, ठीक है, उन्होंने जाके कोई वेब टीवी बना लिया और छोटे 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 इदारे, अच्छा वो क्या हुआ कि 5वीं क्लास से स्कूल से भागे। अच्छा फिर हमारे इदारे जो है, मैं खुद इसमें मैं भी शामिल हूँ क्योंकि मैं भी एक इदारे को हेड करता हूँ, तो हम भी ऐसे नहीं देखते कि रिपोर्टर ये पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ, ठीक है उसको जी रख दिया बस, उसने अच्छी ड्रेसिंग करके आ गया दफ्तर में, हमने ये नहीं देखना। यानी कि हम बिजनेसमैन जो लोग हैं उनको हमने सहाफत में ले आए, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बिजनेस अताई डॉक्टर था, उसने सिक्योरिटी के तौर पर कोई ना किसी अखबार या चैनल की नुमाइंदगी ले ली, स्कूल दो नंबर हैं उन्होंने नुमाइंदगी ले ली, तो सबसे बड़ा आलमिया है कि हम खुद गलत हैं, क्योंकि हमें चाहिए था कि ऐसे लोगों को हमें मेंबरशिप या नुमाइंदगी देनी नहीं चाहिए। दूसरी बात यह कि अंडर मैट्रिक कोई बंदा जो है वो उसको रिपोर्टर होना नहीं चाहिए। तीसरी बात कि आप देखें कि इस वक्त कोई साफ़ी आप, मैं तो कहता हूं कि आपको कोई बड़ी मुश्किल से गिने चुने लोग मिलेंगे जो इस वक्त सही सहाफत कर रहे हैं, नहीं तो कोई एंकर जो है वो किसी पार्टी का तबला बजा, जी जी, और देखें वो मरात भी ले रहे हैं। इस वक्त जो पिस रहा है वो पिस रहा है जो छोटा तबका है, खासकर जो रिपोर्टिंग करते हैं वो पिस रहे हैं, पोस्ट जर्नलिस्ट जी वो पिस रहे हैं, और खासकर मैं सलाम पेश करता हूँ इस वक्त पाकिस्तान मीडिया काउंसिल के तकरीबन कुछ 40,000 से ज़ायद मेंबर हैं जिनको मैं लीड करता हूँ, पिस वो लोग रहे हैं जो आपके छोटे छोटे इलाकों में साफ़ी हैं जिनको तनख्वाहें नहीं दी जाती, वो पिस रहे हैं, और उसके साथ साथ फिर इदारों वाले उनसे बड़ी बड़ी भारी रकम लेते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी की मद में पिस वो रहा है जिसको सैलरी
प्रॉपरली नहीं मिलती। और इसके साथ साथ मैं कहता हूँ कि खुदा के लिए हम चौथा सतून है यार, किधर रह गया चौथा सतून? हमें तो कोई तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है चौथा सतून के लिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया यहाँ पर।